तो गाइस आज की वीडियो में ना एक कंपैरिजन लेके आया हूँ टाटा टियागो ईवी का वर्सेस में है टाटा पंच ईवी जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर में जो बैटरी पैक है वो भी अलग आता है, साइज़ में भी डिफरेंस है, अंदर कंफर्ट में भी डिफरेंस है, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊँगा। अगर आप इस टियागो ईवी को लेते हैं, इसका टॉप एंड वेरियंट की ही मैं बात करूँगा, तो ये आप लोग को लगभग 13 लाख रुपये का पड़ता है गुड़गांव हरियाणा में। वहीं अगर आप पंच ईवी को लेते हैं तो ये पड़ती है आपकी 16 लाख 40 हज़ार की, यानी कि 3 लाख 40 हज़ार रुपये का इन दोनों गाड़ियों के अंदर में प्राइस डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे भी आप लोग क्या है, दो बैटरी पैक मिल जाएंगे, एक तो आएगा 19.2 किलोवाट आवर वाला और एक आएगा 24 किलोवाट आवर वाला। जो इसके अंदर 19.2 आएगा वहाँ पे 215 की रेंज है और जो 24 किलोवाट वाला है वहाँ पे 350 के करीब की जो ये गाड़ी है रेंज क्लेम करती है। वहीं जो ये पंच है इसके अंदर में जिसको लॉन्ग रेंज थी ना वो इसके अंदर में आपकी मीडियम रेंज बना रखी है, यानी कि 25 किलोवाट की इसकी मीडियम रेंज है और जो 35 किलोवाट है वो इसके अंदर में लॉन्ग रेंज है। 35 किलोवाट में 424 किलोमीटर की क्लेम करती है और जो आपकी 25 किलोवाट की है वही इसके अंदर में 350 के करीब की जो है गाड़ी रेंज क्लेम करती है। जो बैटरी और मोटर आएंगी दोनों IP67 रेटिंग वाली आएगी, यानी कि वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है, और दोनों ही गाड़ियों के अंदर में आप लोग को 1,60,000 या फिर 8 साल की वारंटी मिल जाएगी, जो भी आपकी जल्दी हो जाए बैटरी और मोटर की। और जो कंप्लीट गाड़ी की वारंटी आएगी वो 3 साल की आएगी, 1,25,000 किलोमीटर की। और इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर में क्या है, आप लोग को 3 चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो आएगा 3.3 किलोवाट वाला और एक आएगा 7.2 किलोवाट वाला एसी का फास्ट चार्जर, जहाँ पे टाइमिंग जो है आपकी नॉर्मल चार्जिंग से कम लगेगी, और एक आएगा इसके अंदर में डीसी का फास्ट चार्जर, जहाँ पे दोनों ही गाड़ियाँ क्या है आपकी 56 मिनट में फुली चार्ज ये हो जाएंगी। जैसे आप इस टियागो ईवी की देखोगे ना, तो यहाँ पे लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प और टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिलता है। जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करूंगा तो ORVMs फोल्ड हो जाएंगे और अनलॉक करने पर वही गाड़ी के ORVMs जो है यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। और जो ये वाली की देख रहे हो ये है पंच ईवी की, बिल्कुल सेम ही की है और इसके अंदर भी बिल्कुल सेम ही फीचर मिलेगा, लॉक करने पर ORVMs फोल्ड एंड अनलॉक करने पर गाड़ी के जो ORVMs हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जाहिर सी बात है ये एक SUV है तो इसके अंदर में थोड़ा सा ऊँची कमांडिंग सी पोजिशन रहेगी, ऊपर से जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोग को पंच के अंदर ही बेटर मिलेगा। ये कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ कि ये बाय करनी चाहिए ये बाय करनी चाहिए, प्राइस में दोनों के अंदर में 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। आपको बस फीचर शो कर रहा हूँ कि 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके आपको इस गाड़ी के अंदर में क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। जैसे आप इस गाड़ी की हेडलाइट देखोगे ना तो ये क्या है आप लोग को LED वाली मिलती है प्रोजेक्टर में, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी LED आते हैं और पूरे कनेक्टिंग वाले DRLs यहाँ पे आ जाते हैं। चार्जिंग के लिए आगे सॉकेट दिया हुआ है और 360° कैमरा भी जो है आप लोग को पंच ईवी के अंदर मिल जाएगा। वहीं जो टियागो ईवी है इस गाड़ी के अंदर में जो हेडलाइट है वो प्रोजेक्टर मिलते हैं बट वो येलो थ्रो में आती है, और जो गाड़ी की फॉग लाइट है वो भी आपको यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलती है। जो ये पंच ईवी है ना इसके अंदर में क्या है आप लोग को सनरूफ भी मिल जाती है, पर टियागो ईवी के अंदर में कोई आपको सनरूफ नहीं मिलती है। ORVM दोनों के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाते हैं। जो आपकी ये है ना पंच ईवी यहाँ पे 360° कैमरा भी मिल जाता है पर टियागो ईवी के अंदर में वो चीज़ नहीं मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर आप लोग को पंच ईवी के अंदर में भी मिल जाएंगे गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, और टियागो ईवी के अंदर में भी आप लोग को मिल जाते हैं। अब जैसे आप ये टियागो ईवी देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है इसके अंदर में स्टाइल ड्रीम ही आते हैं, अपोलो के टायर्स हैं, 175/65 R14 इंच का टायर सेक्शन है, फ्रंट तो गाड़ी के अंदर में डिस्क आता है पर रियर जो है गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक आता है। और जो टियागो ईवी है यहाँ पे क्या आप लोग को डायमंड कट वाले अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अपोलो के टायर्स हैं, 195/60 R16 इंच का टायर सेक्शन है, इस गाड़ी के अंदर में चारों डिस्क ब्रेक आप लोग को मिल जाते हैं। पंच ईवी के अंदर में आप लोग को डिफोगर, वाइपर, हाई ऑन स्टॉप लैंप सारी चीज़ें मिल जाती है, और कैमरा, पार्किंग सेंसर जाहिर सी बात है इसके अंदर में आ जाएगा, और जो गाड़ी की टेल लैंप है वो आप लोग को यहाँ पे LED वाली ही मिलती है। वहीं आप टियागो के अंदर देखोगे डिफोगर, वाइपर सारी चीज़ें, कैमरा भी है, पार्किंग सेंसर भी आप लोग को मिल जाएंगे, बट जो गाड़ी की टेल लैंप है वो आप लोग को यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ में मिलेगी। लुक वाइज जैसे आप देखोगे ना तो दोनों ही गाड़ियाँ देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया सी लगती है। बूट को ओपन करने के लिए यहीं पे मैग्नेटिक स्विच मिल जाएगा, जाहिर सी बात है गाड़ी बड़ी है तो बूट स्पेस भी यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा आपको, 366 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस है, बेंच टाइप सीट मिलती है और पार्शल ट्रे भी जो है यहाँ पे आ जाती है, पर इस गाड़ी के अंदर में कोई आप लोग को स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, पर क्या है उसको आप एक्सेसरीज में भी परचेज कर सकते हैं। वहीं आप इस टियागो ईवी में देखोगे तो यहाँ पे मिलता है 266 लीटर का बूट स्पेस और पार्शल ट्रे भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है, फिलहाल में इसके अंदर में लगी हुई है। और जो इसका स्पेयर व्हील है वो भाई इसके अंदर में भी क्या है आप लोगों को नहीं मिलता है। अब दिखाते हैं भाई इनके इंटीरियर्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें
मिल जाती हैं। पंच ईवी के इंटीरियर्स भी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आप इसकी कलर थीम देखोगे ना तो बिल्कुल सेम सी ही यहाँ पे मिलती है, और सेमी लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री जो है इस गाड़ी के अंदर में आती है। साइडों में फैब्रिक है, बीच में लेदर दिया गया है। ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे आ जाती हैं, और फर्स्ट रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं। 6 एयरबैग्स जो है आपको पंच ईवी के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे चारों पावर विंडो के जो है स्विचेज मिल जाएंगे। स्पीकर, ट्विटर दोनों चीज़ें ही गाड़ी के अंदर में आ जाती हैं, और डैड पैडल भी जो है आप लोगों को गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। जैसे आप इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो फ्लैट बॉटम मिलता है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के अंदर में आ जाता है। म्यूजिक सिस्टम के इसके ऊपर में कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल और इसकी MID के कंट्रोल्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे आप इसका मीटर देखोगे ना पूरा डिजिटल में यहाँ पे मिलता है। इसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, देखो रेंज दिखा रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, एनर्जी एनालिसिस है, मीडिया के लिए दिखा रहा है, नेविगेशन है। नेविगेशन का इसके अंदर में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे कनेक्ट करोगे तो जैसे एप्पल का मैप होता है ना वही जो है इसके अंदर में यहाँ पे चलेगा। एनर्जी का इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिखा रहा है, और सेटिंग की यहाँ पे दिखा रहा है। और जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ये आप लोग को सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। पैडल शिफ्टर, ये पैडल शिफ्टर वो वाले पैडल शिफ्टर नहीं है गियर चेंज करने के लिए, ये इसके रीजन के लिए दे रखे हैं। देखो लेवल दे रखा है यहाँ, जैसे इसको प्लस करूँगा तो वो यहाँ पे प्लस होते चली जाएगी। ऑटो हेडलैम्प भी गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले भी वह गाड़ी के अंदर में आ जाती है, और जो इसका रेस्पॉन्स है ना एक नंबर का आप लोग को मिलता है। और जो बैक कैमरे की क्लैरिटी है वो भी भाई एक नंबर की जो है यहाँ पे मिल जाती है। ये वाला डोर ओपन है इस वजह से ये इतना पोर्शन जो है यहाँ पे ये ब्लैक दिखा रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग है, USB और एक सी टाइप का सॉकेट दे रखा है। ओ भाई कलर भी जो है यहाँ पे चेंज करते हैं, एम्बिएंट लाइट यहाँ दे रखे हैं। और जो गियर नॉब है वो आप लोग को वही स्क्रीन वाला मिलता है। स्पोर्ट्स मोड और इको मोड दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड है, दो ग्लास होल्डर मिल जाएंगे। आर्म रेस्ट भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है, और स्पेस वाइज देखा जाए तो ठीक है, और आर्म रेस्ट भी है ठीक है, छोटा सा है बिल्कुल। IRVM आप लोग को ऑटो डे नाइट वाले मिलते हैं। सनरूफ भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है, नेक्सोन के अंदर में और पंच के अंदर में दोनों के अंदर में जो सनरूफ की ओपनिंग दे रखी है बिल्कुल सेम सी होती है, और जो सनरूफ का साइज है वो भी बिल्कुल सेम सा है। विजिबिलिटी वाइज बात करें तो कमांडिंग पोजीशन है, अच्छा तगड़ा व्यू आ रहा है। सीटों की चौड़ाई हो चाहे कुशनिंग हो वो सब कुछ ही आप लोग को गाड़ी के अंदर में बिल्कुल बढ़िया सी मिल जाती है। अब दिखाते हैं भाई सेकंड रो में, ड्राइवर वाली सीट को 6 फुट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। और पीछे वाले डोर हैंडल्स तो आपको पता है ये ऊपर की तरफ से ओपन होते हैं, रेक्लाइनिंग एंगल जो है थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। पीछे वाले जो हेडरेस्ट हैं आप लोग को दो मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और आर्म रेस्ट मिल जाते हैं। इसके ऊपर में कोई आप लोग को ग्लास होल्डर नहीं मिलता है। पीछे की तरफ में यहाँ पे कोई एयर के वेंट्स भी आप लोगों को नहीं मिलते हैं, और कोई चार्जिंग के लिए सॉकेट वगैरह नहीं मिलता है। पीछे से कुछ ऐसे लगता है गाड़ी का इंटीरियर देखने में कुछ ज़्यादा ही पीछे हो रखी है सीट। उसके बावजूद आप इसके अंदर में नी रूम देख लो कितना मिलता है, मेरी 6 फुट हाइट है, और जो लेग रूम है वो गाड़ी के अंदर में काफ़ी अच्छा से मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को बढ़िया सी मिल जाती है। अब दिखाता हूँ आपको टियागो ईवी के अंदर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। देखो वही सेम चीज़ है कि चार पावर विंडो के जो स्विचेज हैं डोर पे दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है आप लोग को क्रोम वाले डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और डोर पे सिर्फ स्पीकर्स ही मिलेंगे, ट्विटर्स नहीं मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल सीट जो है यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है, पर जो है वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेगी। कंप्लीट लेदर की गाड़ी के अंदर में सीट अपहोल्स्ट्री आती है। फर्स्ट रो में गाड़ी में एडजस्ट वाले हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और टियागो के अंदर में आप लोगों को दो ही एयरबैग्स मिलेंगे, ड्राइवर का और पैसेंजर का। डैड पेडल जो है आप लोगों को गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है फ्लैट बॉटम आप लोग को मिलता है, और ये लेदर रैप में आ जाता है। इसके ऊपर में क्रूज कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसके जो म्यूजिक सिस्टम है उससे जुड़े हुए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती हैं, ऑटो वाइपर्स भी गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। और जैसे आप इस गाड़ी का मीटर देखोगे ना, इसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, देखो ये आपकी ट्रिप है, ट्रिप भी, ये आपकी ओडोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, टेम्परेचर है, ट्रिप है, ट्रिप भी, बस यही दिखा रहा है। और ये आपके इस साइड में सेट करने के लिए दे रखा है, ऊपर की तरफ में जो है यहाँ पे रेंज शो कर रहा है। और जैसे आपकी गाड़ी चार्ज होने लग रही है तो वो इस तरीके से यहाँ पे ये गाड़ी ब्लिंक करती रहेगी। इसके अंदर में जाहिर सी बात है टच स्क्रीन डिस्प्ले आप लोगों को छोटी वाली ही मिलेगी, जो कि पुरानी टाटा की गाड़ी में आती थी ना वही सेम वाली टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे आती है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे बटन्स दे रखे हैं, जैसे उसके अंदर में क्या था कि यहाँ पैडल शिफ्टर से दे रखे थे गाड़ी के रीजन ऑन करने के लिए, पर इसके अंदर में रीजन के लिए ये दो स्विचेस दे रखे हैं, बाकी आपके फॉग लाइट के लिए दे रखा है। जो चार्जर गन है उसको लॉक अनलॉक और टेलगेट को ओपन करने के लिए दे रखा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है, और जैसे मैं हवा को मंदी तेज करूँगा ना तो वो देखो यहाँ ऊपर स्क्रीन में शो करता है,
इसका गियर नोब देखने में बिल्कुल सिंपल ही मिलते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप रुपए कम पे करोगे तो जीजे भी आप लोगों को कम ही मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग को मैनुअल वाला ही हैंड ब्रेक मिलेगा, इलेक्ट्रिक वाला नहीं आता है। दो ग्लास होल्डर मिल जाएंगे और एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो भी भाई आप लोग को एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा। सिर्फ टिल्ट ही जो है इसके अंदर में एडजस्टमेंट आती है, टेलीस्कोपिक नहीं आती है। विजिबिलिटी वाइज बात करें तो मैं खाली देखो इस चीज़ की बताऊंगा, जो आपकी टियागो ईवी है इसको मैं नेक्सॉन से या फिर पंच से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं इस चीज़ की बताता हूं। देखो यहां पे जो है कमांडिंग पोजीशन आ रही है, डैशबोर्ड से मैं ऊपर बैठा हुआ हूं, गाड़ी को मैं ईजिली ड्राइव कर सकता हूं। सीटों की चौड़ाई हो, बकेट फिटिंग हो, वो दोनों ही चीज़ क्या है आप लोगों को गाड़ी के अंदर में काफ़ी बेहतरीन सी मिल जाती है। और जो स्पीकर की क्वालिटी है वो भी आप लोगों को गाड़ी के अंदर में काफ़ी बढ़िया सी यहाँ पे मिल जाती है। IRVM मैनुअल वाले मिलते हैं और सनरूफ तो गाड़ी के अंदर में आती नहीं। रीडिंग लैम्प जो है यहाँ सेंटर में ही मिलता है, जो कि LED मिल जाती है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर आप लोग को मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड सनवाइजर में क्या है, गाड़ी में टिकट होल्डर मिलता है। ऊपर की तरफ में माइक की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। और एक और चीज़ है, जैसे मान लो आप गाड़ी को कहीं बाहर चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज लगाते हो, जैसे कि मान लो मैंने बाहर चार्जिंग पे लगा रखी है, तो गाड़ी क्या है, कई लोगों को ये सवाल रहता है गाड़ी मेरी खुलेगी नहीं खुलेगी, तो आपकी गाड़ी भी खुल जाती है और जो गाड़ी की एक्सेसरीज है वो भी यहाँ पे सारी ऑन हो जाती है। तो आप आराम से बैठ के अपने गाने वगैरह भी सुन सकते हो। जो ड्राइवर वाली सीट है ना, मैंने 6 फुट से भी ज़्यादा पीछे कर रखी है। नी रूम, हाँ भाई ज़्यादा पीछे होने में तो नी रूम देखो टाइट हो गया, पर 6 फुट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो जाएगी ना। तो उसके बाद यूँ है, पीछे की तरफ में भी 6 फुट का बंदा बैठ सकता है। कंपैरिजन करोगे इसको पंच ईवी से तो भाई इसके अंदर में हाँ देखो स्पेस आप लोग कम मिलता है। तो जाहिर सी बात है, देखो स्पेस तो कम मिलना ही था, रुपये भी कम है और जो गाड़ी का साइज़ है वो भी यहाँ पे अलग है। तो एक ये भी चीज़ है, ये हैचबैक है और वो SUV है, पीछे की तरफ में कोई एयर का वेंट नहीं मिलते। और सेकंड रूम क्या है, गाड़ी के अंदर में फिक्स ही हेडरेस्ट आप लोगों को मिलते हैं। 35 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में ये 120 bhp और 190 nm का टॉर्क जो है आप लोग को ये निकाल के देगी। बाकी जो रेंज है इस गाड़ी की वो 421 किलोमीटर के, और डिपेंड करेगा आप गाड़ी को किस तरीके से और कहाँ पे ड्राइव कर रहे हो। और जो ये टियागो ईवी है ना, ये 74 bhp निकालती है और 114 nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के देगी। और जो कंपनी इस गाड़ी की रेंज क्लेम करती है वो 315 किलोमीटर के, बाकी आपकी ड्राइव पर डिपेंड करेगा। 315 बोल रही है तो आपको ये 280-290 तक की जो रेंज है ये गाड़ी आराम से आपको निकाल के दे देगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कंपनी लिखती देती है जैसे ARAI के अकॉर्डिंग या पेट्रोल डीजल में तो उतनी देती है, नहीं भाई उससे जो है वो कम करके देती है। क्योंकि जब ये रेंज को नापते हैं या फिर माइलेज को नापते हैं तो वो क्या है, आपके टायर हवा में रहते हैं तो उस तरीके से नापे जाते हैं। अब इसमें जैसे रोड पे चलेगी तो कंडीशन भी जाहिर सी बात है अलग आएंगी, तो रेंज और जो माइलेज है उनका भी डिफरेंस जो है आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। तो गाइस ठीक है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल नए तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।